मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के दौरे पर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सबसे पहले जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जोधपुर वासियों ने मुझे हमेशा प्यार दिया और हमेशा आप इसी तरह साथ देते रहना। और साथ ही सीएम के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी गण भी मौजूद दिखे। मंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा, जोधपुर और अजमेर दौरे पर रहेंगे आज सीएम अशोक गहलोत। और जोधपुर के दौरे के दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उनके साथ पीसीसी चीफ सचिन पायलट सहित प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद दिखे। और ये भी कहा कि भाजपा ने 5 साल का हिसाब नहीं दिया, लेकिन अब 3 साल का हिसाब देके अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। जोधपुर में वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आज चुनावी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जोधपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या क्या निशाना साधा केंद्र सरकार पर? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर है। उनके पुत्र वैभव गहलोत का नामांकन था, उसके बाद एक जनसभा थी, उसमें सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को घेरा है। साथ ही जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र भाई मोदी पिछली बार जब चुनाव था तो एक बात कहते थे कि देश जानना चाहता है, यानी कि देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन अब यदि देश की जनता क्या कोई आदमी कोई अधिकारी भी जानना चाहे तो वो सूचनाएं जो रोजगार को लेकर थी या अन्य सूचनाएं जो थी अभी भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते अब देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई खुद मोदी बन गए हैं तो वो सूचना नहीं दे पा रहे। साथ ही जो मीडिया को जो है दबाव में ले रखा है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है और लोगों को देश के अंदर अराजकता का माहौल लग रहा है, देश में इमरजेंसी जैसे हालात लग रहे हैं। ज्योति जी, दयाल सिंह, अब ये बताएं कि अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अजमेर दौरे के पर रवाना हो चुके हैं। निश्चित तौर पर अभी जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है वो अभी वैभव गहलोत के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री अजमेर के लिए निकलेंगे। जी दयाल सिंह, इस दौरान कौन से कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद दिखे सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा? देखिए बताना चाहूंगा कि जो स्थानीय सिरोही के विधायक है वो भी यहाँ श्याम लोडा है वो भी पहुंचे थे, और जो आसपास के जितने भी पूर्व में जो विपक्ष के नेता थे रामेश्वर डूडी बीकानेर से वो भी आए हैं, और साथ ही जो आसपास के जितने भी क्षेत्रीय नेता है कांग्रेस के वो पहुंचे, जिसमें राजेंद्र पारिक के साथ और भी कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। दयाल सिंह, जिस तरह से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 साल पहले मैंने जोधपुर की जनता से 3 वादे किए थे, उन्होंने क्या बताया? वो 3 वादे कौन से थे जो उन्होंने जोधपुर की जनता से किए थे जो वो अभी तक निभा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने जोधपुर की जनता से कहा कि जिस तरह से पिछले 5 बार मुझे लोकसभा से जिताकर भेजा था, उसी तरह से इस बार आपकी मांग पर वैभव को प्रदेश कांग्रेस ने विश्वास करते हुए टिकट दिया है। ये सचिन पायलट ने कहा कि मेरी गारंटी पे वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है और मैं आप सब इससे अपील करता हूँ कि मेरी जो ये गारंटी है उसे बुनाए और इसको वैभव गहलोत को अधिक से अधिक मतों से जिताकर भेजे, जिससे कि केंद्र में एक बार कांग्रेस की सरकार बन सके। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, सीएम अशोक गहलोत का चुनावी दौरा है जोधपुर और अजमेर दौरे पर। जोधपुर जिले जहां कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में उनको जिताने का जनता से आह्वान किया, साथ ही ये भी कहा कि पिछले 28 साल से मैं जोधपुर की जनता की सेवा कर रहा हूँ और जो भी मैंने वादे किए जोधपुर की जनता से वो आज भी निभा रहा हूँ।